ये किसका है, वो मिट्टे का ना पिक्चर आया था, उसका प्रमोशन था ना, करण जोहर का ना। हाँ, वो मिट्टे को तो यही मांगता है, शक्कर ज्यादा खाया था ना उसके। फैशन के माध्यम से एक बड़ा नाम किया है, जैसे उर्फी जावेद का नाम ले लें तो उर्फी ने काफी फैशनेबल कपड़े पहने और एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है इसके बारे में। अभी कैसा है मालूम है, हर किसी का अपना एक ये, तो वो उनके तरीके से उनको जो अच्छा लगता है वो पहनेंगे। मेरा ये बोलना है कि ये यूथ को ये भी बताओ, जो हमारे महाराणा प्रताप से लेके शिव छत्रपति महाराज, ये जितने पेशवा होके गए जो जो लिबास पहनते थे, उनको भी बताओ कि ये भी पहना जाता है। सिर्फ वो पैंट मत पहनो कि नीचे उतरता है वाला, ये भी पहन के देखो, ये भी जबरदस्त होता है। आपके लिए फैशन का क्या इम्पोर्टेंस? क्या आपके लिए फैशन का क्या इम्पोर्टेंस? फैशन का इम्पोर्टेंट बस एक अच्छा अच्छा दिखना मांगता है, वैसा पहनो, नहीं तो कुछ भी फटेले बिटेले नहीं पहनना चाहिए, समझा। बहुत फैशन एग्जीबिशन में आए हैं तो कल ही न्यूज़ आया कि रणवीर ने पूरा न्यूड एक फोटो शूट कराया है, तो कहाँ तक सही गलत मानते हैं आप? सही गलत ये तो जनता के ऊपर जाता है ना, क्या होता है मालूम है, इन लोग ने किया तो चमत्कार होता है, हाँ। और दूसरा कोई अगर ये मामूली इंसान करता ना, तो अभी तक तो आप लोगों ने उसकी बजा के रखी हुई थी मीडिया वालों ने, उनकी नहीं कर सकते ना आप लोग, हाँ। टीआरपी मिलता है आप लोगों को, उनके बारे में नहीं बोलेंगे आप लोग, मगर ये कोई मामूली इंसान अगर रोड पे अगर ऐसा करता ना, या कुछ स्टेज पे जाके करता ना, तो अभी तक तो बवाल कर देते हम लोग, हाँ बराबर ना। ये किसका है, वो मिट्टे का ना पिक्चर आया था, उसका प्रमोशन था ना, करण जोहर का ना। हाँ, वो मिट्टे को तो यही मांगता है, शक्कर ज्यादा खाया था ना उसके। हाँ बोलिए। ये भी कहना चाहूंगा कि आपका जो व्यक्तित्व है, जिस तरह का आपका नियत रहता है किसी का भला करने का, तो इसको फिल्म के माध्यम से आप दिखाना चाहेंगे? ओटीटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ ऐसा करना चाहेंगे एक्टर के तौर पर, क्या करेंगे? देखो पहली बात तो आपको एक बात बोलता है, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इन लोग मेरे को बॉलीवुड में लेगा, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं, मैं खुश है जितना मैं कर पा रहा हूँ मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए कर पा रहा हूँ ना, उसमें खुश है मैं। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्ट्रगलर है बेचारे, जो ना मेहनत कर रहे, अच्छे से अच्छे लोग है, बच्चे हैं, लड़कियाँ है, हाँ, उनको चांस दो रे। कब तक तुम लोग ये बॉलीवुड में गंदगी मचाएंगे? इन लोग को भी चांस दो ना, इन लोग को भी आगे बढ़ाओ, ये भी भविष्य है ना अपने देश का, उन लोग को भी चांस देने का। सिर्फ तुम लोग का भी हो गया, तुम लोग बुड्ढे घर पे बैठो। हाँ हाँ, सोशल मीडिया का क्या महत्व है आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया का, जब से सोशल मीडिया आया ना, तब से लोग जागरूक हो गया, लोगों तक बात पता चलने लगी कि क्या है असली, क्या चल रहा है हमारे देश में, ये पता चला। तो सोशल मीडिया आज के तारीख में बहुत महत्व है। हमारे देश को नई राष्ट्रपति मिली है, बहुत संदर्भ को सिर्फ जिंदगी गुजारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं मुर्मू जी को ना, जो हमारे राष्ट्रपति, वो भी एक आदिवासी, जिनको जिनको ये आज पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो यहाँ पे बिठाया। ये हमारी इंडिया है, ये हमारा इंडिया का कल्चर है, जो हम किसी को भी अगर चाहे तो आज बना सकते हैं, वरना पहला नहीं था, इनके बाप का राज चलता था, कोई भी बनाता था किसको भी अपने मर्जी से, अभी नहीं चलता है। आज एक झोपड़ी झोपड़ी में रहने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है, ये आज हमारे हिंदुस्तान ने दिखा दिया है। हाँ, डन, चलो। दर्शन भगवान का, छोटे आदमी है यार, छोटे थोड़ी घूमते फकीर है, किधर भी जाते हैं यार, क्या करें। चलिए।